शहनाज को ब्रह्म कुमारी आश्रम में सिखाई जा रही ये बातें, शहनाज ने सीखा है ये अनोखा मंत्र। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से शहनाज गिल पूरी तरह से टूट गई हैं। वो अपने जज्बातों पर काबू रखे, अपने भावनाओं पर काबू रखे और सिद्धार्थ शुक्ला की यादों से खुद को बाहर निकाल पाए, इसके लिए सिद्धार्थ शुक्ला की माँ रीता शुक्ला शहनाज कौर गिल को ब्रह्म कुमारी आश्रम लेकर जा रही हैं। और शहनाज गिल ने ब्रह्म कुमारी से ऐसा अनोखा मंत्र सीखा है जिससे वो काफी स्ट्रांग रहेगी। हाल ही में हमने देखा है कि शहनाज पर हेटर्स और ट्रोलर्स काफी अटैक कर रहे हैं, इसीलिए शहनाज ने ब्रह्म कुमारी में एक नया मंत्र सीखा है जो इन सब से निपटने में उनकी मदद करेगा और उन्हें स्ट्रांग बनाए रखेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि वो मंत्र क्या है। वो मंत्र है निंदा स्तुति एक समान। जी हाँ, इस मंत्र में ये बताया गया है कि अगर कोई आपकी निंदा करे यानी बुराई करे और स्तुति मतलब आपकी तारीफ करे या अच्छाई करे, वो सब कुछ एक समान है। क्योंकि अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, और इसी तरह अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो ये भी उस व्यक्ति के खुद के विचार है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। इसलिए ना तो निंदा आपकी होती है और ना ही स्तुति। इन सारी चीजों से अपने आप को परे रखें और जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं। तो दोस्तों, आप भी बताइएगा कि निंदा स्तुति एक समान इस मंत्र का आप अपने जीवन में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, और शहनाज कौर गिल के बारे में आपका क्या कहना है। अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।